सर मुखर्जी नगर थाने के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर अभी भी काफी भीड़ जमा है और इनकी मांग यही है कि इस पूरे मामले में जो पुलिसकर्मी हैं और पुलिसकर्मी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसी वजह से ये लोग यहाँ काफ़ी समय से डटे हुए हैं। बात करने के लिए लोगों से मिलते हैं, आपकी क्या मांग है? मांग ये है, आपके सबके सामने पूरा देश देख रहा है, विदेश देख रहा है, सिखों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। इतना जुर्म नहीं किया था किसी सिख ने जो इतना जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। हम तो चाहते हैं कि हमारे को इंसाफ चाहिए, फिर बाद में कहेंगे सबूत नहीं है। अब तो सबूत भी है, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा तशद्दुद है। इनके माइंड में अभी तक नवंबर 1984 घूमती है और जो दिल्ली पुलिस है बिल्कुल निकम्मी पुलिस है, सिर्फ इनके इनको पैसा कमाना आता है। सबसे पहले उस आदमी को बुलाना चाहिए जिसने मार खाई है, उसकी फैमिली को यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर? क्या हुआ ऐसा जो उस बंदे को अंदर बिठाया हुआ, बाहर क्यों नहीं आ रहा वो बंदा? ऐसा कोई जुल्म नहीं कहता जो इतनी बढ़ता है, बहुत ज्यादा। आपको अंदर का नजारा भी दिखाना चाहूंगा, ये पुलिस स्टेशन आप देखिए, इसके बाहर यहाँ पर खुद डीसीपी लेवल के ऑफिसर्स मौजूद हैं और तमाम और पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद हैं। और यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अभी स्थिति ये है कि लोग डटे हुए हैं, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिसकर्मियों को, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जो बाकी पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।